जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे ये मलाई डोरी है और इस मलाई डोरी से हम आपको ड्रेस बनाना सिखाएंगे। इससे पहले भी एक दो वीडियो हमने मलाई डोरी के सिखाए थे आपको और इससे ड्रेस बनाने में बहुत ही यूनिक ड्रेस इसके बनती है। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है हमने कॉटन का, साथ ही हमने बिना बुकरम के बेस बनाना सिखाएंगे सिर्फ आरकंडी से। तो आरकंडी ली है, कॉटन का फैब्रिक लिया और ये नेट ली है जिसमें कि हम मलाई डोरी लगाने वाले हैं। इन्हीं सब चीजों से ये ड्रेस हम बनाने वाले हैं, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए ये ड्रेस हम 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं लेकिन बेस हमने कट किया है। ये देखिए 6x6 इंची का कट किया है आरकंडी का। इसमें हमें करना क्या है, इस तरीके से 2 बार तय करेंगे, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में। और जो मुड़ी हुई साइड है ना 5 नंबर के ठाकुर जी की, जो हमें कमर रखनी है ना वो 1.1 इंच में 1 पॉइंट कम, तो इसमें हम गोलाई पर निशान लगा लेंगे कमर की गोलाई पर। और साथ ही यहां से 3 इंच की गोलाई पर निशान लगाते जाएंगे। जब निशान लगाते हैं तो ये 0 पॉइंट है, हमें जो हमारा कॉर्नर वाला सेंटर पॉइंट होता है ना उस पे रहता है 0 पॉइंट, और बाकी जहां पर नंबर लिखे होते हैं वहां से ये इंची टेप हमारा घूमता जाता है। इसे कट कर देते हैं। ये हमारा डायामीटर हो गया। अब इसे क्या करना है, चारों तरफ से सिलाई लगा करके पहले इसे पलट लेते हैं। ये देखिए ये छोटा सा हमारा डायामीटर बना है। अब क्या करना है, हमने ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है और देखिए हमने 4.5 इंची चौड़ी और 42 इंच लंबी 2 पट्टियां कट की हैं। और इन दोनों पट्टियों को पहले आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरीके से एक पट्टी बना लेंगे, डबल करेंगे और डबल करके सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में। अब ये देखिए पतला वाला गोटा लिया है, इस गोटे को हम किनारे किनारे लगा लेंगे। अब देखिए इसमें हमें प्लेट्स डाल करके घेर बनाना है। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स डाल करके घेर बनाएंगे और घेर हमें कितना बनाना है ये यहां से यहां तक फिट हो जाए। ये देखिए ये हमारी फ्रिल बन गई घेर के लिए। अब इसे पहले टक कर लेंगे हम, यहां से इसे टक करेंगे या पूरी गोलाई में यहां तक टक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारा मेन डायामीटर हो गया। अब इसको हम यहां से यहां तक नापेंगे तो ये पूरा 10 इंच आ रहा है। अब क्या करना है, यहां से यहां तक नाप लेते हैं कितना आता है। अब इसे हम यहां से यहां तक नाप लेते हैं, 2 इंची आ रहा है तो लगभग 2.5 इंची हम रख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रखेंगे 2.5 से 3 इंची, 2.5 इंची रख लेते हैं। 2.5 का डबल 5 इंची चौड़ी हम नेट की पट्टी कट करेंगे। और पट्टियां हम कितनी कट करेंगे नेट की, हमें 42 इंच की 2 पट्टियां कट करनी है। अब 5.5 इंची चौड़ी 3 पट्टी कट कर लेते हैं नेट की, 2 कम पड़ सकती है इसलिए 3 कर लेते हैं। अब देखिए मलाई डोरी लगानी है, मलाई डोरी को कैसे लगाएंगे, 5 इंची चौड़ी नेट है, हमें चाहिए 2.5 इंची चौड़ी इसलिए हमने इसे डबल लिया है। तो ये देखिए मलाई डोरी को लेंगे हम और इस तरीके से डबल करेंगे और इसे सेंटर में इस तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसे किस तरीके से हम टक करते हैं, ये दोनों छोरों को हमने आपस में मिला लिया। अब मिलाने के बाद ये डोरी को एक साइड से हम एक हाथ से पकड़ के ऐसे तान करके रखेंगे
और दूसरे हाथ से ये नेट को हम कस के खींचेंगे। डोरी के ऊपर हमें मशीन को चलाना है, इसके खींचना है और खींचने के बाद सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, देखिए नेट हमारी टाइट रहेगी, खिंची रहेगी, तो ये डोरी में इस तरीके से वेव्स आने लगी अपने आप। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक बार सिलाई लगा लेंगे, अब इसमें हम प्लेट्स डाल करके घेर तैयार करेंगे, और प्लेट्स इस तरीके से नहीं डालेंगे, इसमें हमें महीन महीन चुन्नटें डालनी है। ये देखिए ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है घेर के लिए, लेकिन ये हमने थोड़ी सी ज्यादा कट की है, ज्यादा फ्रिल तैयार की, ये हमारी दो लेयर में लगेगी फ्रिल। एक लेयर पहले हम लगा लेते हैं, तो एक लेयर देखिए हमें इस तरीके से लगानी है, यहां से शुरू करेंगे और यहां से शुरू करते हुए इसकी ये गोलाई में यहां से यहां तक ये इसे हम टक कर लेंगे। उसके बाद में जो लेयर हमारी बचेगी उसे बिल्कुल इसके लेबल के साथ मिला करके टक करेंगे। तो पहले पहली लेयर टक कर लेते हैं हम, अब इसके ऊपर रख के हम दूसरी लेयर को भी लगा लेंगे। दो लेयर जब हम लगाते हैं ना तभी इसमें थोड़े रफल्स हमारे अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये हमने दोनों घेर लगा लिया और ये रफल्स कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें, देखिए इस तरीके से आप कर देंगे और भी ज्यादा रफल्स नजर आएंगे। अब इसमें दोनों साइड टिश्यू टेप लगाएंगे और साथ में नीफा लगा लेते हैं। अब नीफा लगा लेंगे, नीफे के लिए 2.5 इंची चौड़ी पट्टी कट की है, डबल इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ करके डबल करेंगे और उल्टी साइड से इसे टक कर देंगे। अंदर की साइड मोड़ेंगे और डोरी को सेट करेंगे इस तरीके से, डोरी को सेट करने के बाद एक बार मुड़ेंगे और एक बार और मुड़ेंगे, और मुड़ने के बाद ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये रफल्स वाला घेर बन गया है। इसमें थोड़ा डेकोरेशन करेंगे लेकिन बाद में पहले चोली भी बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए हमने 2.5 इंची चौड़ी नेट ली है और इसमें भी हमें इसी तरीके से डोरी लगा करके और ये तैयार कर लेनी है फ्रिल एक। और फ्रिल हम कितनी तैयार करेंगे, 5 नंबर की ठाकुर जी की चोली है तो 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए हम टोटल 14 इंच में फ्रिल तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रिल तैयार की है। इस फ्रिल में मैं यहाँ से ये जहाँ पर हमने ये चुन्नट डाली हुई है वहां से हमें येलो कलर की प्रिंटेड पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने ये देखिए 1.25 इंची की चौड़ी कट की है और इसको इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ दिया और एक ही बार में हमें ये पाइपिंग
दोनों साइड लगा लेनी है। इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसे हमने पाइपिंग लगाने के बाद ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ करके यहाँ किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के साथ ही हम पीछे भी इस तरीके से करेंगे डबल और ये हल्की सी तिरछी सिलाई लगा देंगे। इस सेंटर में निशान लगाएंगे और निशान लगा करके ये देखिए इसको सेंटर में रख के चोली को यहाँ पर ये किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी रफल वाली ये ड्रेस बन गई है। इसका डेकोरेशन कर लेते हैं और ठाकुर जी को पहना करके भी दिखाएंगे हम कैसी लग रही है ये ड्रेस। ये लटकन लगाएंगे इधर और लटकन के ऊपर एक ये बूटी लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये पोशाक बन गई है, पहना करके दिखाएंगे अभी पगड़ी बनने के बाद इसे। ये देखिए पगड़ी हमारी बन गई, बहुत ही सुंदर पगड़ी है, आसानी से बनाई है। प्रिंटेड कपड़े की हमने स्ट्रिप काटी और ये देखिए उसमें गोटा लगा करके उसको हमने सिल लिया। इसकी एक प्रिंटेड कपड़े की पग बनाई, एक नेट के कपड़े की पग बनाई है और ये बूटियां लगा दी, बस हमारी ये पगड़ी बन गई। और चलिए ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं। देखिए 5 नंबर के ठाकुर जी हमारे आ गए हैं अपने आसन पर और इनके लिए ये पोशाक बनी है। देखिए किस तरीके से पहनाएंगे, इस तरीके से डाला। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस हमारे ठाकुर जी को। कॉटन की ड्रेस है कहने को, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। सेमी फॉर्मल ड्रेस है, आप सेमी हैवी ड्रेस है, कहीं भी किसी भी त्योहार पे पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है दोस्तों। आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।